5 into 2, लाइक 10 मिनट्स, 5 मिनट्स फॉर। हमारे साथ एक फास्ट न्यूसिस की डेलीगेशन मौजूद है जो कि अपना मास्टर्स का थीसिस लिख रहा है, मास्टर्स का थीसिस लिख रहा है। सो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसके अंदर वो साइबर सिक्योरिटी को गेमिफाई कर रहे हैं। तो वो आपके सामने 5 मिनट्स में अपना आइडिया प्रेजेंट करेंगे एंड वो आपसे फीडबैक चाहते हैं कि हाउ दे शुड डू दिस प्रोजेक्ट, राइट? सब लोग रेडी है फीडबैक देने के लिए? तो प्लीज मेरे साथ असद और आफे मौजूद है, प्लीज हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज एंड लेट देम कम। थोड़ी सी करेक्शन, मतलब ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का हमारा से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी का। तो बेसिकली क्या है कि हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म साइबर सिक्योरिटी का, और उसको हम गेम बेस्ड लर्निंग के थ्रू हम साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अभी उसामा ने बताया कि वो भी एजुकेशन मतलब के थ्रू मतलब गेम बेस्ड लर्निंग करवाना चाह रहे हैं। जी, फिजिक्स का उन्होंने बताया था। तो हमारा एक हम काफ़ी 4 से 5 गेम्स बना रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के लिए। तो एक गेम जो है वो है नेटवर्क डिफेंडर, मतलब ये एक AI ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी गेम है जो साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को सिखाता है। तो इसमें बेसिक हमारे 2 मोड्स हैं, एक है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और एक है नेटवर्क सिक्योरिटी। हमारा जो गेम का ओवरव्यू मैं थोड़ा सा आप लोगों को दे देता हूँ, इसमें यह है कि हमारे पास एक 2D एवेटार होगा जिसका काम होगा पैकेट्स ट्रांसफर करना एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन। तो पैकेट्स, आप लोग सोचोगे पैकेट्स क्या होता है? पैकेट्स कोई भी डेटा होता है जो हम नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। जैसे एक कोई पोस्टमैन ले लेके वो एक मेल डिलीवर कर रहा है एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक। तो इसमें हमारा जो गेम इंजन नहीं, बेसिकली गेम फ्रेमवर्क हम यूज़ कर रहे हैं वो है phaser.js। उसके थ्रू हम ये गेम बिल्ड करेंगे। अच्छा, अब मेन चीज़ ये आ गई कि इसमें AI कहाँ है। तो राफिद आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हम AI कैसे इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमारा जो गेम है, सिर्फ हमारा मकसद गेम बनाना ही है, गेम से एजुकेट करना है, वो भी स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। तो AI हम इसलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, नॉट फॉर द सेक ऑफ AI, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इंगेजिंग बना सके और स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके कि वो जो बोरिंग साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ सकें। क्योंकि आपका मकसद होता है कि पूरी क्लास को नहीं समझाना, एक इंडिविजुअल को टारगेट करना। तो ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है AI इंटीग्रेट करके गेम्स में। तो आप खुद आपको बताएंगे हम किस क्यों AI यूज़ कर रहे हैं और किस तरह ये AI यूज़ करेंगे। थैंक यू जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये जिस तरह असद बता रहा था, हमारे 3 तरीके होंगे कि हम किस तरह AI को इंटीग्रेट करेंगे इस गेम के अंदर। नेटवर्क डिफेंडर में हम एक तरीका ये होगा कि हम री इन्फोर्समेंट लर्निंग और जनरेटिव AI के थ्रू डायनेमिक डिफ़िकल्टी इंट्रोड्यूस करेंगे प्लेयर के लिए, जो एडजस्ट करेगा अगर एक प्लेयर बहुत स्ट्रगल कर रहा हुआ नेटवर्क को कन्फिगर करने के लिए। तो वो अगर वो बहुत स्ट्रगल कर रहा हो नेटवर्क को कन्फिगर करने के लिए, तो वो बेसिकली उसके लिए आसान कर देगा गेम, वो रोड ब्लॉक थोड़े से कम कर देगा, चैलेंज थोड़ा आराम से करेगा उसको। अगर वो बहुत मतलब लिटरली ब्रीज थ्रू, ही इज गोइंग टू बी ब्रीजिंग थ्रू द गेम, देन वो उसके लिए जनरेटिव AI उसका एनवायरनमेंट चेंज करेगा, वो नए ऑब्स्टिकल्स लाएगा उसके लिए ताकि गेम थोड़ा सा मुश्किल हो। इसकी वजह से गेम, जैसे असद बता रहा था, एंगेजिंग भी रहेगा, जो प्लेयर्स बहुत अच्छे होंगे कॉन्सेप्ट को समझने में, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। दूसरा ये तरीका होगा कि जनरेटिव AI जो हमारा एक वो होगा, अरीना होगा गेम का कह लें आप, उसको चेंज करते रहेगा ताकि जब भी एक प्लेयर खेले, जैसे वो स्पेस इन्वेडर्स की गेम थी, स्पेस इन्वेडर्स में ये हो रहा था कि अच्छे प्लेयर्स गेम को समझ पा रहे थे आराम से, तो फिर उनके लिए बहुत आसान हो रही थी गेम। इस गेम में क्या होगा कि सिनेरियोस चेंज होते रहेंगे बेसिकली, तो गेम एंगेजिंग भी रहेगा और उसको प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। LLMs एक और तरीका है जिससे AI के थ्रू कर सकते हैं, जैसे चैटबॉट्स हो गए, ChatGPT हो गया, वो एक LLM की तरह ही है, उसके अंदर ही आता है। LLMs बेसिकली एक प्लेयर को फीडबैक दे देंगे गेम के आखिर में कि आप, अगर आप इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपने ये गलत किया है और आप ये सही कर सकते हैं बाद में, तो बेसिकली ये फीडबैक मिल सकती है। phaser.js हमने इसलिए चूज़ करा है, इसलिए हम कोडिंग बैकग्राउंड के
हम यूनिटी वाले नहीं है, हम ये सारे इंजन इस्तेमाल नहीं कर सकते, अनरियल इंजन बहुत हमारे लिए मुश्किल थी ये करना। फेजर जेएस कोडिंग साइड पे, इसलिए हमारा कोडिंग बैकग्राउंड है, हम कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी है। और एआई लाइब्रेरीज इंटीग्रेट करना फेजर की वजह से आसान हो जाती हैं, एक्सेसिबिलिटी उसमें आसान है फेजर जेएस में। और बस यही है कि ज़्यादा जो हमारा वो नुमाइंदा था इसको आज इंट्रोड्यूस करने के लिए वही था कि आप जैसे लोग हमें फीडबैक दे पाएँ इस गेम के लिए आगे जाते हुए, इसलिए ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। और हमारे सुपरवाइजर ने कहा है कि ये शायद इंडस्ट्री में भी आई पढ़ाई टाइप जगहों पर जा सकता है। शुक्रिया।